पिछोर थाना क्षेत्र के करारखेड़ा मजरा खोर के रहने वाले एक 32 वर्षीय किसान का शव मृत हालत में बीच रोड पर मिला। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई। मृतक के भाई ने बताया कि पुराने रंजिश के चलते मेरे भाई की हत्या की गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की। मृतक के भाई ने गांव के एक व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मृतक के भाई के शक के आधार पर गांव की एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए राउंड फॉर किया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों द्वारा गांव के एक व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। जसमान सिंह कहाँ के हो? करारखेड़ा खोर। अच्छा, ये जो जिनकी मृत्यु हुई है कौन है आपके भाई? हमारे। कैसे मृत्यु हुई इनकी? लठन से मारो है, मर्डर करो, मर्डर किया है। सर्गी। अच्छा, बच्चे हैं सर्गी। तो आपको कब पता चला? सवेरे भरो, हमें पता रात में करो जो आपने। अच्छा, रात में मर्डर किया है? रात में करेगी मर्डर। अच्छा, किसी पे कोई शक है? पता चला किसने किया? शक या नहीं, मनोज कुमार को है प्रजापत। अच्छा, कोई विवाद था क्या? विवाद में रखा है, बस संग में तो करो मैंने। नहीं, उससे जिसने का आप नाम ले रहे हैं उससे कभी कोई विवाद था क्या? बहुत विवाद। अच्छा, तो पुरानी रंजिश के चलते ये हुआ है? क्या पुरानी रंजिश से के चलते? पुरानी से। अच्छा, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है? अब काम कर रही है, काम कर रही है। अच्छा, पुलिस मदद नहीं कर रही आपकी? क्या रही जानकारी करें जब पता कर। सर, ये मामला सामने आया है जहाँ परिजनों ने बताया कि हत्या का मामला है, क्या है पूरा घटना? सुबह हमें सूचना मिली थी कि वहाँ जो है करारखेड़ा जो रोड है वहाँ पास में ही हजरत लोधी नामक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल भी पड़ी है बगल में, और उनका एक पांव ऊपर एक नीचे है। तो मैं तत्काल मौके पर पहुँच गया था वहाँ जाकर। अब हमने जो है तत्काल मर्ग कायमी करके उनका PM कराया है, और PM रिपोर्ट उसके तत्पश्चात सभी साक्षियों कथन वगैरह लेकर के और जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र करेंगे। सर, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस को लगता है ये हत्या का मामला? अभी देखो, अभी हम जो है कुछ नहीं कह सकते जब तक पूरी जाँच नहीं कर लेंगे। परिजनों को एक व्यक्ति पर शक है, जैसा कि पुलिस को बताया उन्होंने? उन्होंने बताया था कि कल शाम को जो है ये मनोज प्रजापति नाम का व्यक्ति इनके साथ था, तो उसको भी हमने अभी अपने साथ राउंड अप किया है, उसे पूछताछ करेंगे।